मंडी गोविंदगढ़ के श्री कृष्णा मंदिर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के सहयोग से 5 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया गया, जिसका शुभ आरंभ प्रकाश चंद गर्ग, सुरेश गोयल, सुरेश गुप्ता, नीलिमा भाटिया ने दीपक जला करके किया। इस मौके श्री आतुतोष महाराज जी की परम शिष्य साध्वी शोभा भारती जी ने भक्तजनों को श्री राम कथा के महत्व से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पावन ग्रंथ की रचना करके सभी को श्री राम जी की लीलाओं को जानने समझने का सुअवसर दिया है। मंडी गोविंदगढ़ से संजय सैनी की रिपोर्ट। संस्कार देने का कार्य माँ को करना पड़ेगा, माँ से ही बालक सीखता है। इस प्रकार से हम सब आज इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात अवश्य कहूंगी कि प्रभु की ये कथा मानव के भीतर संस्कारों का रोपण करने के लिए आती है। संस्कार व्यक्ति के अंदर आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी मार्गदर्शन के माध्यम से, और आज युवा शक्ति का जो प्रयास हो रहा है, आज भारतीय संस्कृति को जो किस प्रकार से भूल कर हम पाश्चात्य संस्कृति के संवाहक बन रहे हैं, अगर हम चाहते हैं पुनः भारतीय संस्कृति का रोपण हो, हम पुनः भारतीय बने, सच्चे शब्दों में भारतीय बने, तो हम सभी को उसी संस्कृति का बनना होगा। और सर्वश्री आशुतोष महाराज जी जिनका स्वरूप आप पीछे मंच पर देख रहे हैं, हम आपको बता दें वो सिर्फ और सिर्फ संस्कारों की बातें नहीं करते, दिव्य ज्योति से वो सब अपनी संस्कृति के साथ जुड़ पाएंगे, प्रभु को जानेंगे, आध्यात्म के साथ जुड़ेंगे, तो अपने आप जीवन में संस्कार और संस्कृति आएगी। इसलिए सज्जनों, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी संस्कारों का रोपण कर रहे हैं। इसलिए हम सभी जो प्रभु की भक्ति के माध्यम से